प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस हमेशा से एससी एसटी और महिलाओं के खिलाफ रही है। कांग्रेस हमेशा एससी एसटी ओबीसी और महिला विरोधी रही है। बीजेपी ने देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन आदिवासी महिला को चुनाव हराने के लिए ये इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी। और इसके पहले 2014 में जब हम जीत के आए और हमें जब पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीतने की संभावना लगी तो हमने एक दलित मां के बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए हमने उम्मीदवार बनाया, उसको हराने के लिए पीछे लग गए लोग। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दमन दीव और दादरा और नागर हवेली के दमन में कहा कि आरएसएस अब कह रहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले आरएसएस ने इसका विरोध किया था। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। कर्नाटक के बेल्लारी और दमन दीव में 7 मई को वोट डाले जाएंगे।